हेलो फ्रेंड्स, तो आज की रेसिपी है आपकी मनपसंद मिठाई घेवर। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि सेम हलवाई स्टाइल घेवर घर में कैसे बनाएं और वो भी बिना मोल्ड के। ये देखिए, और इसको मैंने सॉसपैन में बना के भी दिखाया है। आप इसको किसी भी त्यौहार या आपका कभी भी डेजर्ट खाने का मन करे तो बना सकते हैं। तो एक बार बनाना तो बनता ही है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए लिया मैंने 1 कप शुगर, और इसमें डालेंगे शुगर का आधा पानी। बॉयल आने तक बीच बीच में पलटा हिलाते रहें, नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि चीनी नीचे से जल भी जाती है, कैरमलाइज हो जाती है। तो ये देखिए, जैसे इसमें बॉयल आता है तो इसमें डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर, डेजर्ट में बहुत ही ज़रूरी होता है, और थोड़ा सा डालेंगे इसमें केसर। तो देखिए, इसको हमने 2 से 3 मिनट तक थोड़ा सा हाई फ्लेम में पका लेना है। एक तार वाली चाशनी चाहिए। तो ये देखिए, इसमें तार बनना चालू हो गई है। अब यहाँ पे गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा लेमन जूस, ताकि हमारी जो चाशनी है वो जमे ना, इसमें क्रिस्टल ना बने। ये देखिए, एक तार वाली चाशनी तैयार हो चुकी है। अब इसकी रबड़ी बना लेते हैं। आप भी घेवर बनाने से पहले चाशनी और रबड़ी बना के रख लें, ताकि ये टाइम से ठंडे हो जाएँ। तो यहाँ पर मैंने 1 लीटर फुल फैट मिल्क लिया है। सबसे पहले इसको बॉयल कर लेंगे। देखिए, दूध में बॉयल आ चुका है। अब इसमें थोड़ी सी शुगर भी ऐड कर देते हैं। शुगर मैंने यहाँ पे कम ही डाली है, क्योंकि हम कम क्वांटिटी में रबड़ी बना रहे हैं। दूध को हमने तब तक पकाना है जब तक ये अच्छी तरह थिक ना हो जाए। और थोड़ा सा इसमें डालेंगे केसर। अगर आपको रबड़ी जल्दी बनानी हो तो आप इसमें थोड़ा सा खोया या मिल्क पाउडर का यूज़ कर सकते हैं, उससे आपकी रबड़ी 5 मिनट में बनके तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए, हमारा जो दूध है वो कितना थिक हो चुका है। तो ये हमारी रबड़ी बनके तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पे गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। तो दोनों चीज़ें हमारी बनके तैयार हो चुकी हैं। तो चलिए अब घेवर की तैयारी कर लेते हैं। घेवर बनाने के लिए 1 कप लिया है मैंने मैदा, और 1/4 कप लिया हमने घी। यहाँ पर मैं डालडा घी का यूज़ कर रहा हूँ, आप देसी घी भी डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने घी को बाइंड करना है। तो ये देखिए, घी में थोड़ी सी आइस डाल दीजिए, 4 से 5 क्यूब, और इसको कंटिन्यू हाथ से चलाते रहिए। इसको हमें तब तक फेंटना है जब तक ये अच्छी तरह थिक न हो जाए। इस प्रोसेस को करने में 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा। तो ये देखिए, हमारा जो घी है वो अच्छी तरह जम चुका है। अब इसमें डालेंगे मैदा। तो मैदा यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, और इसको भी अच्छी तरह हमने घी के साथ बाइंड करना है। तो इसको भी अच्छी तरह ऐसे ही फेंटते रहिए। इस प्रोसेस को जिसने अच्छी तरह कर लिया, उसका जो घेवर है एकदम परफेक्ट और जालीदार बनेगा। थोड़ा सा मैदा और ऐड करेंगे, और इसको भी अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है। देखिए, अभी भी पानी की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी है, बस आपने इसको यहाँ पे कंटिन्यू चलाते ही रहना है। और ये बचा हुआ मैदा, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और एक बात, आप इस मिक्सचर को जहाँ पर बना रहे हो वो एरिया थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए। अगर आप रूम में बना रहे हो तो रूम का पंखा चालू करके रखिए। देखिए, मिक्सचर थोड़ा सा ड्राई हो गया था, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा पानी ऐड किया है। इसको भी उन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है, और आप इसको सिर्फ फेंटते ही रहिए। इसको फेंटने में आपको कम से कम 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा। तो ये देखिए, हमारा जो मिक्सचर है बिल्कुल क्रीम की तरह हो चुका है। अब इसमें ठंडा पानी ऐड करेंगे, तो पानी भी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो मैदा और घी होता है वो फट जाता है। अगर वो फट जाए कभी, तो आप उसको मिक्सी में डाल दीजिए और घुमा दीजिए, वो दोबारा से बाइंड हो जाता है। देखिए, मैंने थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड किया था। तो ये हमारा घेवर बनाने का बैटर तैयार हो चुका है। इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है। अभी लास्ट में इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच लेमन जूस, और इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, ऊपर से ऐसे धार लगा के तो बूंद बूंद गिरनी चाहिए। और हमने इस बैटर को ठंडे पानी में रखना है, तो पानी में आइस डाल के इसको पानी में छोड़ देंगे, ताकि ये ठंडा ही रहे। चलिए घेवर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ऑयल का टेम्परेचर आपने हाई रखना है। देखिए कितना हाई टेम्परेचर है। जितना हाई टेम्परेचर में आप इसको डालेंगे, उतने ही अच्छे आपके जाले बनेंगे। तो स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालें, और थोड़ा यहाँ पर ध्यान से डालें। एकदम से अगर बैटर डाल देंगे तो आपका जो ऑयल है वो पैन से बाहर आ जाएगा। तो देखिए इसमें कैसे अपने आप ही जाले बन रहे हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा जो हमारा घेवर बनेगा। अगर आप साइज में घेवर बड़ा बनाना चाहते हैं, तो इससे को बड़ा बर्तन ले लें, बट वो गहरा होना चाहिए,
और इसके बाद आप बैटर कंटिन्यू इसमें डालते जाइए। देखिए अब आपने यहाँ पे रुकना नहीं है, नहीं तो आपको जो नीचे वाला घेवर का हिस्सा रहेगा वो ज़्यादा जल जाएगा। तो ये देखिए आपने बिल्कुल सेंटर में डालना है बैटर को, सेंटर में बिल्कुल सेंटर में डालते जाइए। और गैस की फ्लेम आपने हाई ही रखनी है, ऑयल का टेम्परेचर कम नहीं होना चाहिए। देखिए बैटर को आपने कंटिन्यू डालते जाना है, बहुत ही इसमें अच्छे जाले से भी दिख रहे हैं। अगर आपके ऑयल का टेम्परेचर कम हो गया तो आपका जो घेवर है उसमें अच्छे जाले नहीं बनेंगे, बैटर इकट्ठा हो जाएगा एक ही जगह। तो ये देखिए अब हमने बैटर डालना बंद कर दिया है। अब एक नाइफ लेंगे और इसको साइडों से छुड़ा लेंगे और इसके बाद एक स्पून लेंगे, चम्मच लेंगे और चम्मच की सहायता से इसको नीचे दबा देंगे ताकि इसमें ऊपर भी अच्छा सा कलर आ जाए। ये जो मैंने आपके साथ घेवर बनाने की रेसिपी शेयर की है ये सबसे सिंपल और आसान रेसिपी है, आप इस रेसिपी से बहुत ही आसानी से घर में घेवर बना पाएंगे। तो देखिए कलर भी अच्छा आ चुका है, अब हम इसको निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पे स्पून की सहायता से इसको निकाल लिया है, इसका ऑयल अच्छी तरह निकलने देंगे। आप इसको ऑयल से निकालने के बाद किसी नैपकिन पेपर पे रख दीजिए। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त इसमें जाले आए हैं, बहुत ही अच्छा बना है हमारा घेवर। चलिए अब इसका अगला प्रोसेस चालू करते हैं। आप ऐसा कोई कटोरी ले लेंगे और इस घेवर को उसके ऊपर रख देंगे। अब हमने इसके ऊपर चाशनी डालनी है। हलवाई लोग तो क्या करते हैं वो डायरेक्ट इसको चाशनी में डुबो देते हैं, बट हमारे पास क्वांटिटी थोड़ी कम है तो हमने यहाँ पे थोड़ी सी थीक चाशनी बनाई है ताकि इसके अंदर अच्छी तरह से सोक हो जाए। तो देखिए अच्छी तरह से इसके ऊपर चाशनी डाल दीजिए, जो चाशनी एक्स्ट्रा रहेगी वो इसके नीचे निकल जाएगी। तो ये देखिए इसके अंदर चाशनी अच्छी तरह से भर जाएगी, तभी ये खाने में अंदर से बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं बिना रबड़ी से, बट अभी हम इसके ऊपर रबड़ी डालेंगे। ये देखिए रबड़ी के साथ तो इसको खाने का बहुत ही मज़ा आता है, तो इसको रबड़ी से अच्छी तरह से भर देंगे। अभी हमारे पास एक थिक रबड़ी पड़ी थी, अगर आपको वो पसंद हो तो आप रबड़ी को थिक भी बना सकते हैं, थोड़े से ड्राई नट डाल दिए ऊपर से। ये देखिए मैंने एक और घेवर बना के रखा है और इसके ऊपर हम थोड़ी सी थिक रबड़ी डालेंगे। अगर आपको ये पसंद है तो आप रबड़ी को थिक कर लीजिए और रबड़ी डालने में आपने कोई कंजूसी नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके ऊपर लास्ट में डालेंगे थोड़े से ड्राई नट्स। ओके फ्रेंड्स मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, थैंक यू।